हेलो स्टूडेंट हम अब आज कॉडेटा वर्टिव रेट्स के कोर्स कंटेंट और ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे क्योंकि हम अब सेकेंड ईयर में हैं और कॉर्डेटा को स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं और कितना हमारा कोर्स कंटेंट है सो so, ऑब्जेक्टिव है हमारा इसको स्टडी करने का कि हमें ये पता चलेगा कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है कि पर्टिकुलरली जो हमारा आ, ये वर, आ, जो आपका कॉर्डेटा ये फाइलम है इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है एंड बेसिक टैक्सोनॉमिक करेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट फाइला क्या उसका बेसिक टैक्सोनॉमिक करेक्टरिस्टिक है और एक, आ, क्लासिफिकेशन के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे टू अंडरस्टैंड द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम ए, इस कोर्स कंटेंट जो कॉर्डेटा का कोर्स कंटेंट है उसको पढ़ने के दौरान में ये जानेंगे कि पर्टिकुलर कॉर्डेटा फाइलम में एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है कैसे वो फीडिंग करता है उसका हैबिटेट क्या है डाइजेशन क्या है रिप्रोडक्शन क्या है और वो कैसे जो है एनिमल्स इसमें डेवलप होते हैं जो है वो डायरेक्टली डेवलप होते हैं या इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं उसके ये पूरे सिनेरियो के बारे में इसमें स्टडी करेंगे सो द कोर्सेज फाइलम कॉर्डेटा इंक्लूड सब फाइलम हेमी कॉर्डेटा सिफेलो एंड यूरो तीन इसमें सब फाइलम आएंगे तो उसमें हम इन तीनों सब फाइलम में हम एक एक एनिमल की स्टडी करेंगे हेमिकॉरडेटा में वेलिनोग्लॉसिस की सिफेलोकॉर्डेटा में एनिमल एम्फियोक्सिस की एंड यूरोडेटा में हर्डमानिया की कंप्लीट स्टडी करेंगे हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मींस उस एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उसकी एनाटॉमी कैसी है और फिजियोलॉजी कैसी है एंड इमिक डेवलपमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे तो ये डिटेल स्टडी करने के बाद हम पर्टिकुलर एक एक एनिमल की फिर हम जो आपका जो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं पीसीज एम्फीबिया और एन जो है रेप्टाइल की अप टू द जो है ऑर्डर तक हम इसका क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे एंड फिर एव्स एंड मैमल्स में भी हम अप टू द जो है आपका ऑर्डर तक स्टडी करेंगे डेंटेशन इन मैमल की स्टडी इसमें हम करेंगे जोलॉजिक जोलॉजी के प्रैक्टिकल सिलेबस की अगर हम बात करें स्पेशली कॉर्डेटा में तो हम इसमें जितने भी हमने तीनों हमारे जो सब फ़ाइलम हैं सिफेलो यूरो और आ, जो आपका यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा और हेमी कॉर्डेटा में तीनों के एनिमल की कंप्लीट हमें स्टडी भी करनी उनके एक्सटर्नल करेक्टर के बारे में परमानेंट स्लाइड्स के बारे में और उनके लार्वा की स्लाइड्स के बारे में और उसी तरीके से सिफेलो में जो है ब्रैंकी एम्फियोक्सिस की परमानेंट स्लाइड के बारे में ओरल हुड के बारे में जितनी ये सारी स्टडी हम इसमें करेंगे सेम ईयर हम फिर आगे क्लासेस में जाएंगे तो हमारा जो है फिशेस जो है का जो क्लास है उसमें हम फिश की पूरी होल स्टडी करेंगे क्या उसका क्लासिफिकेशन है तो उसमें कॉन्ट्रिक्थिस मींस हम कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में ऑस्ट्रिक्थिस के बारे में बोनी फिशेस के एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक पूरा और उसके स्केलेटन के बारे में ये सारी स्टडी हम करेंगे और सेम हम सेम हम अदर क्लास में एम्फीविया रेप्टाइल्स में जो है वो स्केलेटन की स्टडी करेंगे स्केलेटन मीन्स हम उसका होल जो इंटरनल स्केलेटन है जो बोन से बना हुआ है उसका जो है पैक्टोरल गर्डल पैल्विक गर्डल स्कल वर्टिवल कॉलम्स रिप्स स्टर्नम इन सब की कंप्लीट जो है मॉर्फोलॉजिकल स्टडी को करेंगे एंड द थर्ड इज एप्स क्लास एप्स की स्टडी करेंगे और क्लास एट्स की स्टडी फिर देन मैमिलिया सो so, होप सो so, आपको कोर्स कंटेंट का वीडियोस पसंद आया होगा थैंक यू